तो लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने 8.1 एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसके बारे में बातचीत की थी, है ना। तो अभी फिलहाल हम लोग इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं और इसी सेम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। तो बेसिकली उस क्वेश्चन नंबर 3 में और इस क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पॉइंट ऑफ डिफरेंस है पहले ये पता कर लेते हैं, और उसके हमारे सवाल को सॉल्व करने की हमारी क्या अप्रोच होगी हम वो देखेंगे। देखो, शो दैट ये वर्ड वहाँ भी था, यहाँ पे भी है। वहाँ पे भी आपको लिख कर दिया गया था, इफ़ द डायगनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है, बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो यानी कि ये जो गिवन पार्ट है जो क्वेश्चन नंबर 3 में था, सेम टू सेम वही गिवन पार्ट आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में भी है। बस फर्क इतना है कि वहाँ पे आपको जो शो दैट बोला गया था, वो शो दैट आपको ये करना था कि वो फलाना चीज़ एक रोम्बस होगी, और यहाँ वाले क्वेश्चन में आपको ये शो दैट करना है कि ये फलाना क्वाड्रिलैटरल एक स्क्वायर होगा। तो 8.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को और 8.1 के क्वेश्चन नंबर 5 को वर्ड टू वर्ड आप कंपेयर करो, आपको सिर्फ और सिर्फ इतना सा पॉइंट ऑफ डिफरेंस मिलेगा कि जो आपका टू प्रूफ वाला पार्ट है, जहाँ पे आपको चीज़ों को रोम्बस प्रूफ करना था, यहाँ पे आपको चीज़ों को बस क्या प्रूफ करना है, स्क्वायर प्रूफ करना है, ख़त्म, ठीक है। और कुछ भी नहीं। ओके तो मैडम फिर कैसे करेंगे इसको, क्या इस वाले क्वेश्चन की भी अप्रोच, एक मैडम क्या इस वाले क्वेश्चन की भी अप्रोच हम लोगों के पुराने वाले क्वेश्चन के जैसी ही रहने वाली है क्या? क्या यहाँ पे भी हम लोग वही काम करेंगे? सोचने वाली बात है कि यहाँ पे भी हम वही काम करेंगे, सोचो। तो सबसे पहले हम लोग एक बार ये पढ़ लेते हैं कि आप लोगों को ये जो वर्ड है स्क्वायर, इस स्क्वायर की कितनी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता है, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, चीज़ें बस एक बार रिकॉल हो जाती हैं, रिवाइज हो जाती हैं, याद रखने में आसानी होती है। बार बार अगर रिवाइज करते जाओगे तो अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। चलो ठीक है भैया, बढ़िया बढ़िया है। तो देखो, स्क्वायर की जो चारों साइड्स होती हैं, ठीक है, ये आपस में होती हैं इक्वल। तो यहाँ पे भी वही वाला कंसेप्ट है कि यहाँ पे ऑल साइड्स इक्वल। अब तुम कहोगे कि मैडम ऑल साइड्स तो आपके रोम्बस में भी इक्वल थी। मैं बोलूँगी यस, स्क्वायर में आपके जो ऑल एंगल्स होते हैं, टोटल एंगल वैसे चार होते हैं, बट जितने भी आपके एंगल्स होते हैं वो चारों के चारों 90 डिग्री के होते हैं, और रोम्बस के केस में वहाँ पे एंगल्स 90 डिग्री के नहीं थे। ये है सबसे पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस, ठीक है, ये है सबसे पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस। उसके अलावा इसकी जो डायगनल्स हैं, ठीक है, जिस तरीके से डायगनल्स रोम्बस के केस में बाइसेक करती थी, ठीक है, यहाँ पे भी ये जो आप लोगों की डायगनल्स हैं ये बेसिकली क्या करती हैं, बाइसेक करती हैं। कितने डिग्री पे बाइसेक करती हैं, 90 डिग्री पे बाइसेक करती हैं। तो ये पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटी है रोम्बस और स्क्वायर केस में, ठीक है। लेकिन ये वाली जो एक प्रॉपर्टी है, ये वाली प्रॉपर्टी, ये रोम्बस की अलग है और स्क्वायर की अलग है। स्क्वायर में चारों एंगल्स आपके 90 डिग्री के हैं, रोम्बस के केस में आपके चारों एंगल 90 डिग्री के नहीं होते हैं, ठीक है। तो अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मुझे आप चीज़ों को प्रूव करना है, ठीक है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मुझे आप चीज़ों को प्रूव करना है कि प्रूव करके बताइए कि वो फलाना चीज़ एक स्क्वायर है, तो आप फिर प्रूव करेंगे कैसे, हाउ यू आर गोइंग टू प्रूव दैट, ठीक है, कि आप इसे कैसे प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं हमारे सवाल में, हमको एक क्या करना पड़ेगा प्रॉपरली, एक आप लोगों का डायग्राम वाइग्राम बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, बराबर। अच्छा, तो डायग्राम तो जो हम लोगों का लास्ट टाइम बना हुआ रखा है उसी डायग्राम को हम लोग यूज़ कर लेते हैं। ये डायग्राम हमारा पिछली बार की क्लास का बना है, वही हमने यूज़ कर लिया। अगर मैं गिवन इन्फॉर्मेशन की बात करूँ तो गिवन इन्फॉर्मेशन ये है कि मेरे पास एक क्वाड्रिलैटरल है जिसका नाम है PQRS,
उसमें डायगोनल पी आर एंड क्यू एस बाइसेक कर रहा है, मतलब दो इक्वल पार्ट हो रहे हैं, वो भी 90 डिग्री पे बाइसेक कर रहा है, यानी कि ये भी आपको साथ में एक इन्फॉर्मेशन दी है कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, और ये चारों के चारों कितने डिग्री के, 90 डिग्री के, ये चारों के चारों कितने डिग्री के, 90 डिग्री के, समझ रहे हो, ये चारों के चारों कितने डिग्री के, 90 डिग्री के। अब इस क्वेश्चन का जो टू प्रूफ वाला पार्ट है, वो टू प्रूफ तुम्हें ये करना है कि ये पर्टिकुलर क्वाड्रिलैटरल पी क्यू आर एस आप लोगों का क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। तो मैडम कैसे प्रूफ करें, तो देखो जिस तरीके से आपने पिछले वाले क्वेश्चन में इस्तेमाल किया ना, जिस तरीके से आपने पिछले वाले क्वेश्चन में चीज़ों को इस्तेमाल किया कि आपने ऐसे दो ट्राइंगल्स लिए थे जिन दोनों ट्राइंगल्स को आपने आजू बाजू का लिया, उनमें आपने कॉन्ग्रुएंसी लगाई और आपने सीपीसीटी लगाया, क्या वही सारे कॉन्सेप्ट्स को हमको यहाँ वापस रिपीट करना है, क्या वही सारे कॉन्सेप्ट्स को हम यहाँ वापस रिपीट करेंगे। तो हमने सोचा कि अच्छा वही सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे वापस रिपीट करने की ज़रूरत है क्या, तो ठीक है देखते हैं। तो आप उस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है, आपका एम यही होना चाहिए, चाहे स्क्वायर का क्वेश्चन आए या चाहे रोम्बस का क्वेश्चन आए, आपका एम यही होना चाहिए कि सारी की सारी आपकी जो चारों की चारों साइड्स हैं वो इक्वल आ जाए, ये आपका एम होना चाहिए। तो जिस तरीके से आपने पिछला क्वेश्चन किया रोम्बस वाला, उसमें जो ये आपकी अप्रोच थी कि आपने दो ट्राइंगल कंसिडर किए सच दैट कि वो आजू बाजू वाले हैं, है ना, और उन आजू बाजू वाले ट्राइंगल्स को आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, वही सेम अप्रोच आपको यहाँ भी करनी है। अब कई लोग ऐसे हो सकते हैं कि मैडम इसमें तो देखिए आप जो बोल रही हैं ये तो पॉसिबल नहीं है, तो भाई मैंने पिछले वाले क्लास में सिखाया है कि किस तरीके से ये चीज़ पॉसिबल है, उस वाले वीडियो को जब तुम देखोगे तब तुम्हारी अक्ल बराबर चलेगी कि अच्छा ठीक है ये चीज़ कैसे करना है। तो तुमने कहा कि ठीक है हमको पिछले वाला जो 8.1 का जो क्वेश्चन नंबर 3 था वो हमको बहुत अच्छे से आता है और हमको पता है कि किस तरीके से उन दोनों पर्टिकुलर आजू बाजू वाले ट्राइंगल्स को आपको प्रूव करना है, वो हमें पता है, ठीक है हम कर लेंगे, प्रूव भी कर लिया, सारी चारों की चारों साइड्स हमारी इक्वल भी आ गई, बट ये क्वेश्चन तो मैडम फिर उस रोम्बस वाले क्वेश्चन के जैसा ही हो गया, ये क्वेश्चन तो फिर रोम्बस वाले क्वेश्चन के जैसा ही हो गया, है ना। लेकिन हमको तो इस क्वेश्चन में स्क्वायर प्रूव करना है, इस क्वेश्चन में तो हमको स्क्वायर प्रूफ करना है, इसमें रोम्बस वाला क्वेश्चन तो हो गया ये तो स्क्वायर तो प्रूफ हुआ ही नहीं, बराबर है, सही डाउट है आपका कि मैडम इसमें तो रोम्बस प्रूफ हो गया इसमें तो स्क्वायर प्रूफ हुआ नहीं। तो अगर आपको इसको स्क्वायर प्रूफ करना है तो सिर्फ इतना सा प्रूफ करके काम नहीं चलेगा कि चारों साइड्स आपकी आपने दिखा दी इक्वल, वही एकदम पुरानी वाली स्टेप, वही पुरानी वाली स्टेप कि ऑल फोर साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 4, लेकिन सिर्फ ऑल साइड्स को इक्वल बता के काम नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि अगर आपने ऑल साइड्स इक्वल दिखा दी तो वो तो फिर एक रोम्बस भी तो हो सकता है। स्क्वायर प्रूफ करने के लिए यहाँ पे अब आपको इसके जो एंगल्स हैं, ये जो एंगल्स हैं, इन एंगल्स को आपको 90 डिग्री का दिखाना पड़ेगा, ठीक है, कोई भी एक आधी एंगल आपको यहाँ पे कितने डिग्री का दिखाना पड़ेगा, 90 डिग्री का दिखाना पड़ेगा। जब आप इन एंगल्स को 90 डिग्री का दिखाओगे, ठीक है, जब आप इन एंगल्स को 90 डिग्री का दिखाओगे तब जाकर आप ये बोल पाओगे कि अच्छा वो फिगर मेरा क्या है, एक स्क्वायर है। तो जब स्क्वायर प्रूफ करना होता है तो 8.1 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो हूबहू वहाँ तक पूरा काम होता है, बट यहाँ पे आपको एक एंगल 90 डिग्री का दिखाना पड़ता है, ठीक है, यहाँ पे आपको एक एंगल कितने डिग्री का दिखाना रहता है, 90 डिग्री का, ठीक है यार दिखा देते हैं, बट अब कन्फ्यूजन शुरू हो गया कि मैडम अब ये 90 डिग्री का एंगल मैं कैसे दिखाऊंगा, वो एक एंगल मेरा बेचारा छोटा सा वो 90 डिग्री का कैसे आएगा, डाउट सिचुएशन कन्फ्यूजन है ना, हमारे अंदर डाउट आ गया कि वो एंगल मैं 90 डिग्री का कैसे दिखाऊँ। तो तुम्हें शायद याद होगा पुरानी क्लासेस में हमने इस तरीके के जो ये एंगल्स होते हैं
इनको 90 डिग्री कैसे शो करते हैं इस पर ऑलरेडी बातचीत की हुई है, ठीक है। पुरानी जो हमारी क्लासेस हैं उन क्लासेस में हमने इन एंगल्स को 90 डिग्री कैसे शो करते हैं इस पर ऑलरेडी हम लोगों ने बातचीत की हुई है। अच्छा ठीक है, तो कैसे करवाओगे फिर आप यहाँ पे इसको प्रूफ, वो आप बता दो। मैंने बोला आपको क्या करना पड़ेगा, दो ट्रायंगल लेने पड़ेंगे। तुमने बोला ठीक है मैडम ले लेते हैं, लेकिन जब भी आपको, याद रखना मेरी बात, जब भी आपको 90 डिग्री प्रूव करना है, जब भी आपको कॉर्नर वाले किसी एंगल को 90 डिग्री प्रूव करना है, तो आपको ट्रायंगल इस तरीके से कंसिडर करना है, इस तरीके से आपका वो ट्रायंगल होना चाहिए कि उस ट्रायंगल में क्या हो जाए, क्या हो जाए उस पर्टिकुलर ट्रायंगल में क्या हो जाए, आजू बाजू के दो ट्रायंगल हों और उसमें एक साइड कॉमन रहे। ये काम हम ऑलरेडी पहले भी किए हैं, तुम्हें लग रहा होगा कि नहीं किए हैं, बट ये काम ऑलरेडी ठीक है किए हुए हैं, बराबर। क्या है अब इसमें हम लोग कौन से वो दो ट्रायंगल्स लें, तो यहाँ पे हम लोग ट्रायंगल लेते हैं एक ये वाला, देखो ये ऐसा, ये जिसको मैं ऑरेंज कर रही हूँ, ये वाला आप लोगों का एक ट्रायंगल है ना, ये हो गया आप लोगों का एक ट्रायंगल, और उसके बाद ये हो गया आप लोगों का दूसरा ट्रायंगल, ये हो गया आप लोगों का दूसरा ट्रायंगल। जब भी आपको एंगल 90 डिग्री शो करना है तो इस तरीके से ही आपको दो ट्रायंगल लेने पड़ेंगे। यानी कि अब आपको यहाँ पे जो ट्रायंगल पी एस आर है और जो आपका दूसरा ट्रायंगल है क्यू एस आर, इन दोनों ट्रायंगल को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तुम बोलोगे मैडम कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करोगे आप, तो मैं ये कहूँगी कि देखो इन दोनों ट्रायंगल में आपकी जो सेग पी एस है ये कॉन्ग्रुएंट है आपके सेग क्यू आर के। मैंने पूछा कि बताइए भगवान क्यों ये कॉन्ग्रुएंट है, तो आपने कहा कि देखिए ना मैडम इक्वेशन नंबर 4 में ही आपने कहा कि सारी की सारी साइड्स कैसी होंगी, इक्वल होंगी, तो इसीलिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ यार ये मेरी दोनों की दोनों जो साइड्स हैं वो बिचारी कैसी हैं, इक्वल है। मैंने बोला चलो ठीक है, ये एक डेटा पता चल गया, और भी कुछ है, तो तुमने कहा देखना पड़ेगा यार और क्या है। फिर तुमने कहा कि हाँ हाँ एक और है, ये देखिए सेग एस आर ये कॉन्ग्रुएंट है सेग एस आर के। इसका रीज़न आपने क्या दिया मुझको कि मैडम ये तो कॉमन साइड है, ये तो दोनों ट्रायंगल में आ रही है। मैंने बोला हाँ यार ये भी सही है। अब लेकिन मेरी गाड़ी अटक गई, अब मुझको समझ नहीं आ रहा कि इस ट्रायंगल में और ऐसी कौन सी चीज़ है जो इक्वल है, ये मुझको नहीं आ रहा है समझ में, ये मुझको नहीं आ रहा है समझ में। अब मेरी गाड़ी अटक गई, बराबर ये मेरी गाड़ी अटक गई। तो पहले तो आप एक काम करो, उन दोनों ट्रायंगल को आप रीड्रॉ कर लो जिनमें आपको कॉन्ग्रुएंसी लगानी है। एक ट्रायंगल है पी एस आर और दूसरा ट्रायंगल है आप लोगों के पास ठीक है क्यू आर एस। इस ट्रायंगल पी एस आर में ये वाला पी एस और ये वाला क्यू आर आपस में इक्वल होगा, हाँ मैडम ये दोनों आपस में इक्वल होगा, ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, उसके अलावा ये नीचे वाला एस आर और ये नीचे वाला एस आर, ये तो दोनों में क्या है, ये तो दोनों में कॉमन साइड है, ठीक है ये भी बराबर है। क्या यहाँ पे कोई ऐसी तीसरी चीज़ आपको दिख रही है क्या, ऐसी कोई तीसरी चीज़ आप लोगों को दिख रही है क्या? तो हमने पढ़ा क्वेश्चन, क्वेश्चन में देखो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको दी हुई है, डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल आर इक्वल। यानी कि इस क्वेश्चन में एक सबसे बड़ी हिंट दी हुई है कि वो जो डायगोनल्स हैं उस क्वाड्रिलैटरल की वो इक्वल हैं। यानी कि यहाँ पे एक गिवन ये है कि पी आर इक्वल टू क्यू एस, ये भी हमारा एक गिवन है। यानी कि ये वाला जो आपका पी आर है और ये वाला जो आपका क्यू एस है ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि आपका जो सेग पी आर है ये कॉन्ग्रुएंट है सेग क्यू एस के, और इसका रीज़न हम दे सकते हैं गिवन। सो देयरफोर ये जो आपका ट्रायंगल पी एस आर है
ये कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल क्यू एस आर के, और इसका रीजन देंगे हम ट्रिपल एस टेस्ट, ठीक है बराबर, इसका रीजन हमने क्या ले लिया, ट्रिपल एस टेस्ट। बट इससे प्रूव क्या हुआ, इससे ये प्रूव हुआ कि अगर मैं इस एंगल को 5 नाम दे दूं और इस एंगल को अगर मैं 6 नाम दे दूं, तो मैं सीपीसीटी के थ्रू एंगल 5 और एंगल 6 इन दोनों को क्या कर सकती हूँ, कॉन्ग्रुएंट दिखा सकती हूँ। इसका रीज़न हो जाएगा सीपीसीटी। और जब दो एंगल्स को हम इक्वल दिखाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उन दोनों को लेट कर लेते हैं कि चलो ये दोनों की वैल्यू कितनी होगी, लेट एक्स होगी बराबर, इन दोनों की वैल्यू कितनी होगी, लेट एक्स। और देखो हम लोग ऑलरेडी ये प्रूव कर चुके हैं कि ऑल फोर साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, सो देयरफॉर हमारा जो क्वाड्रिलेटरल है पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस, ये चीज़ हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, है ना, ये चीज़ हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। मतलब इस क्वेश्चन का स्क्वायर प्रूव करने से पहले हमने उसको रोम्बस प्रूव ऑलरेडी कर दिया है। अगर एंगल 90 डिग्री आ गया तो फिर वो स्क्वायर भी प्रूव हो जाएगा, ठीक है, तो रोम्बस हम उसको ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। तो रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, इसका मतलब ये वाली पी एस और ये वाली क्यू आर आपस में पैरेलल है, ठीक है। आप यहाँ कह सकते हो कि आपकी जो सेक पी एस है वो पैरेलल है सेक क्यू आर के, और इसका रीज़न दे सकते हो, क्या रीज़न दे सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5, क्योंकि हम लोग चीज़ों को ऑलरेडी रोम्बस प्रूव कर चुके हैं। अगर दोनों साइड्स पैरेलल हैं तो एंगल 5 प्लस एंगल 6 इन दोनों का एडिशन कितना डिग्री का हो जाएगा, 180। इसका रीज़न क्या आएगा, इंटीरियर एंगल, है ना, इसका रीज़न क्या आएगा, इंटीरियर एंगल। और एंगल 5 और एंगल x को, मतलब 6 को हमने दोनों को ही एक्स एक्स माना है, आप इसको सॉल्व कर लो तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू कितनी आ जानी है, x की वैल्यू आ गई यहाँ से 90 डिग्री, एंगल x की वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री। तो यानी कि आपके पास एंगल 5 और एंगल 6 आपका 90 डिग्री आ गया। एंगल 5 मतलब एंगल s, एंगल 6 मतलब एंगल r, सो देयरफॉर आपका एंगल s और एंगल r 90 है। अब आपके टोटल होते हैं 4 एंगल्स, 4 एंगल्स में से 2 एंगल 90 डिग्री आ गए, तो ऑब्वियस है ये चीज़ सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है, ऑटोमेटिक है कि बाकी के जो अदर एंगल्स होंगे वो भी 90 डिग्री के ही होंगे, ठीक है। सो हम लोगों का जो क्वाड्रिलैटरल पी क्यू आर एस था, ठीक है, वो एक रोम्बस था, इज अ रोम्बस, जो हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके थे, है ना, जिसमें आपके दो एंगल्स कितने के आ चुके हैं, विथ टू एंगल्स ऑफ 90 डिग्री, दो एंगल हमारे 90 डिग्री के आ चुके हैं। अगर दो एंगल्स 90 डिग्री के हैं तो ऑब्वियस है कि बाकी के दो एंगल्स भी 90 डिग्री के होंगे, तो देयरफॉर इसके चारों साइड्स भी इक्वल आ गए, इसके चारों के चारों एंगल भी 90 डिग्री के आ गए, सो देयरफॉर पी क्यू आर एस इज अ स्क्वायर। और यही चीज़ हमको यहाँ पे प्रूव भी करनी थी, डन, ठीक है। तो ये वाला जो सवाल है आप लोगों का काफ़ी आसान था, बस कुछ नहीं करना है, जो इसका थर्ड वाला क्वेश्चन था उस थर्ड वाले क्वेश्चन के जैसा ही था, बट इसमें एक एंगल आपको 90 डिग्री और दिखाना था, और ये एंगल आपको हमेशा 90 डिग्री दिखाना रहेगा, जब जब दिखाना रहेगा तब तब, जब जब आपको वन ऑफ द एंगल 90 डिग्री शो करना हो, ठीक है। चलो तो फिलहाल इस डिस्कशन को अभी यहाँ पे रोकते हैं, और आगे की नई क्लास में नए सवालों के साथ कंटिन्यू।